Assalamu alaikum, dear viewers. You are most welcome to English language and learning. You are watching this channel, and I wish you mm, all the best for your new endeavors in your life. I am here with another, with, with another video that is uh, the most requested video. So, I hope this would be very helpful for you. This is related to uh, PPSC English Lecturership Test Preparation.

बहुत सा सारे सेलेबस जो है वो मिस आउट हो गया है आपने जस्ट कोर्स आउटलाइन प्रिपेयर की थी आपने जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर किए थे एंड नाउ यू आर इन योर जॉब आई दर द प्राइवेट जॉब और आधर द गवर्नमेंट जॉब एंड यू आर सो स्टक इन योर लाइफ एंड यू सडनली एंड गेट एन एडवर्टीजमेंट दट देर आर पी लेक्चरशिप जॉब्स एंड वाओ देर आर आर सीट्स एक्रॉस पंजाब And you think, no I, how I can be eligible and how I can even pass the test or the interview, because I have just done my master's 10 years ago, seven years ago, or like, I' am a private student and I am not even eligible for the test. No, that is not the reality. This is just a myth that you have created for you.

आपने अपनी प्रेपरेशन राइट डायरेक्शन में स्टार्ट करनी है और आपकी जो राइट डायरेक्शन है वो क्या है आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द राइट डायरेक्शन इन द नेक्स्ट स्लाइड इन शह देन जो है ओबियसली आई एम जस्ट अगेंस्ट दिस सोशल मीडिया बिकॉज दिस जस्ट क्रिएट ट्रामा टेंशन एंड दिस जस्ट लीव यू इन कन्फ्यूजन ऑबियसली ऑल द टाइम यू फील

रिलैक्स करना है कि यू कैन डू दिस दिस इज़ नॉट जस्ट लाइक कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है यू कैन डू इट आपने मास्टर्स भी तो इंग्लिश में कर लिया है ना एंड देन यू हैव टू जस्ट टेक अ टेस्ट तो आप जो है ये कर सकते हैं इस ऑब्सेशन से ख़ुद को निकालना है और फिर जो राइट डायरेक्शन है उसकी तरफ जाना है और आपकी राइट डायरेक्शन जो है वो क्या है वो ये है कि आपका तमाम फोकस जो है आपकी जो अटेंशन है आपका जो टाइम है वो किस पे होना चाहिए आपने सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को प्रिपेयर करना है और इस हिस्ट्री में क्या होता है पीरियड्स होते हैं मूवमेंट्स होती हैं थ्रू डिफरेंट एजेस कि इंग्लिश लिटरेचर कहाँ से स्टार्ट होता है दैट स्टार्ट फ्राम एंग्लो सैक्सन पीरियड्स एंड टेकिंग फ्राम इट टू मिडल एजेस रेना रेस्टोरेशन पीरियड क्लासिकल एज प्य

आप जो राइटर्स हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज के हैं आई हैव नॉट मेड कैटेगरीज हियर ड्रामा राइटर्स नावल राइटर्स प्रोज राइटर्स पोइट्री एंड देन जो है यस दीज आर ऑल आपने इनको वन बाय वन करके बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है कि फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू प्रिपेयर जैफरे चौसर He is considered the father of English literature. He has written the most notable work, prologue to the Canterbury Tales. अब आपने prepare करना है कि Chaucer की जो age है वो कौन सी है तो नहीं 142-1400 है उसके उसके कौन कौन से notable works हैं उसने किस चीज़ पे लिखा है फॉर एग्ज़ाम्पल उसने जो है अगर प्रोलॉग टू टेल्स लिखा है तो सबसे पहले जो है इसमें उसने ये डिस्कवरी या इंकशाफ किया है कि ये उसकी राइटिंग जो है उसने सोसाइटी के ऊपर लिखी है तो ये उसका जो एक सोशल पिक्चर पेश करने का नज़रिया है वो ये है कि यानी कि उसने सोसाइटी को पोर्ट्रे किया है वाट एवर ही सीज

यूमैनिटेरियन uh, ग्राउंड्स पे आके लिखना दैट वाज द मोस्ट फेस्ट एंड डिफ़िकल्ट वर्क तो जो चौसर ने किया अब फिर आपने प्रिपेयर करना है कि चौसर ने उसमें कितनी टेल्स लिखी हैं कितनी अनरिटर्न रह गई हैं कितनी कंप्लीट हो गई थी कितनी इनकम्प्लीट हो गई थी कौन सी टेल किस बारे में थी और किस टेल में क्या बात हुई है तो दैट इज़ नॉट वेरी मच हैव हुन देयर मास्टर्स वेल जिन्होंने थोड़ा बेटर किया हुआ है रेगुलर किया हुआ है उनके लिए तो जिस जस्ट है ना सेकेंड्स वो बहुत जल्दी कर लेंगे लेकिन जो मुश्किल पेश आ रही है तो वो भी इन शाह कर लेंगे बट विद अटल हार्ड वर्क राइट डायरेक्शन यही है कि आप चौसठ की डेट ऑफ बर्थ उसका पीरियड टाइम पीरियड नोट करें उसने किन टॉपिक्स को टच किया है किस किस चीज़ के बारे में लिखा है एंड देन जो है उन टेल्स पे जो मैंने बताया कि आप क्या देख लें उन टेल्स में से वो कितनी है कितनी इनकम्प्लीट है कितनी कम्प्लीट हो गई थी कितना उसका जर्नी था किस किस बारे में है और कितने लोगों ने सुनाई थी देन आपके पास आते हैं पाकिस्तानी राइटर्स आपने ये जो जफरी चौसर से लेकर पोस्ट मॉडर्न इरा तक जितने राइटर्स हैं उनको वन बाय वन और इम्पोर्टेंट चीज़ें उनकी करते जाना है देन आपके पास है पाकिस्तानी राइटर्स इनको आपने छोड़ नहीं देना बल्कि इनको भी आपने करना है कि वो uh, उनके कंप्लीट नेम्स वेयर डिड दे गेट देयर एजुकेशन और उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स जो हैं उन्होंने किस चीज़ पे काम किया है देन वोकैबुलरी इफ़ यू आर टीचर एंड इफ़ यू आर टीचिंग इन एनी इंस्टीट्यूशन सो गुड लक टू यू कंग्रेजुलेशन टू यू योर वोकैबुलरी विल बी गुड इनफ देन जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स यस